हेलो स्टूडेंट्स, नव भारती फैमिली वंस अगेन वेलकम्स यू ऑल। पिछले वीडियो के अंदर अपन IOC से रिलेटेड स्पेशल प्रोविजंस की बात कर रहे थे और उसमें अपन ने पहला पॉइंट क्लियर कर लिया था कि इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट और डजंट अलाउ द IOC टू द पार्टनर, किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। यदि साझेदारी संघलेख साइलेंट है या IOC नहीं देता है। आज अपन बाकी के पॉइंट्स क्लियर करने की कोशिश करते हैं। सेकंड पॉइंट, इफ डीड प्रोवाइड्स फॉर IOC, प्रोवाइड्स फॉर IOC, पूंजी पर ब्याज दिया जाता है किस रेट से? एट द रेट ऑफ 10% पर एनम एंड लॉसेस फॉर द ईयर वो ₹60,000। फर्म के अंदर ₹60,000 का लॉस है और साझेदारी संघलेख पूंजी पर ब्याज अलाउ करता है तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? मैंने आपको बताया था पूंजी पर ब्याज केवल तभी दिया जाता है जब फर्म के अंदर प्रॉफिट्स हों, यदि लॉसेस हैं तो IOC नहीं दिया जाता है। इसको अकाउंट के अंदर कैसे दिखाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग सो एंड सो। प्रॉफिट को अपन ने किस साइड में रिकॉर्ड किया था? क्रेडिट साइड में। अब ये लॉस कितने रुपए का है? 60,000 का। तो जस्ट अपोजिट जनरल एंट्री लॉस इज मेंशन इन द डेबिट साइड। सो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉसेज ब्रॉट डाउन फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पहले एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पहले P&L बना था, वहां पर लॉस कितने रुपए का था? ₹60,000 का लॉस था, प्रॉफिट नहीं था। अब प्रोविजन क्या है कि लॉस की कंडीशन के अंदर IOC नहीं दिया जाएगा, तो फिर क्या करेंगे? यदि IOC देते तो इधर डेबिट के अंदर रिकॉर्ड करते, अब लॉस है तो IOC नहीं दिया जाएगा। सो बट नेचुरल दीज लॉसेज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन X एंड Y और अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। लॉस कितने रुपए का है? ₹60,000 का लॉस है, ये पार्टनर्स को डेबिट कर दिया जाएगा। तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इफ द कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग एंड इन द केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दीज लॉसेज विल बी डेबिटेड टू देयर करंट अकाउंट्स। दो पार्टनर हैं X और Y, ₹60,000 के लॉस को इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना था? 3:2। 3:2 के अंदर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, 5 1 जा 1, 5 2 जा 12 3 12 3, ₹36,000 का लॉस कौन बियर करेगा? X और 12 2 24,000 का लॉस कौन बियर करेगा? Y। 60,000 अमाउंट वाले कॉलम के अंदर रख देंगे और इस अकाउंट को इक्वलाइज कर देंगे। जनरल एंट्री क्या बनी? फर्स्ट जनरल एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेकंड जनरल एंट्री एक्सिस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट 24,000 एंड एरो विल गो अप टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो स्टूडेंट्स, पिछले दो पॉइंट के अंदर दो पॉइंट क्लियर हुए। नंबर एक बात, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो IOC नहीं दिया जाएगा, और इसी तरह से यदि फर्म के अंदर लॉस है तो भी किसी पार्टनर को IOC नहीं दिया जाएगा। कंडीशन नंबर 3, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर IOC एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, यदि साझेदारी संघलेख अलाउ करता है साझेदारों को 10% पर एनम की रेट से IOC एंड प्रॉफिट्स फॉर द ईयर वन ₹60,000। साल भर के अंदर प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ? ₹60,000 का प्रॉफिट हुआ। अब IOC देने से पहले हमको क्वेश्चन के अंदर ये देख लेना चाहिए कि पार्टनर्स का टोटल IOC कितना बनता है। एक्स की कैपिटल ₹2,00,000 थी एंड अकॉर्डिंग टू डेट रेट ऑफ IOC इज 10% पर एनम, इसका पूंजी पर ब्याज एक्स का कितना हुआ? ₹20,000 और वाई का कितना हुआ? ₹10,000। दोनों का मिला के पूंजी पर ब्याज कितना है? ₹30,000 का ब्याज है।
और फर्म के अंदर प्रॉफिट कितना है, 60,000 रुपए का प्रॉफिट है, मोर देन द टोटल ऑफ आईओसी। पूंजी पर ब्याज केवल 30,000 रुपए देना है और ब्याज 60,000 रुपए है, तो मैंने आप लोगों को क्या नियम बताया था कि यदि प्रॉफिट आईओसी के अमाउंट के बराबर है या आईओसी के अमाउंट से ज्यादा है, यानी कि यदि सफिशियंट प्रॉफिट है, ये कौन सा प्रॉफिट हो गया, सफिशियंट प्रॉफिट, पर्याप्त लाभ है, तो प्रोविजन क्या था, फुल आईओसी। सबसे पहले आईओसी देंगे तो मैं यहां पर लिखूंगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स को और वाई को। एक्स का कितना है 20,000, वाई का कितना है 10,000। ये आईओसी टोटल अमाउंट वाले कॉलम में कितना आ जाएगा, 30,000। एप्रोप्रिएशन अपन ने इसका कर दिया, 60,000 रुपए के प्रॉफिट में से 30,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। अब प्रॉफिट कितने रुपए का बचा, 30,000 का, विच विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन एक्स एंड वाई इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सो मैं प्रॉफिट को इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हूँ, ये मानते हुए कि इनकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। एक्स और वाई इधर का टोटल कितना है, 60,000 है, 60,000 रुपए के अंदर से अपन ने 30,000 रुपए का आईओसी दे दिया, बाकी का जो 30,000 रुपए का प्रॉफिट है, 30,000 को मैं इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 में डिवाइड करूंगा, तो 5 6 जा 30 6 3 जा 18,000, इसको प्रॉफिट कितना मिलेगा, 18,000 रुपए का, और इसको प्रॉफिट कितना का मिलेगा, 6 दुनी 12,000 रुपए का। और इस अमाउंट को मैं 30,000 को बाहर लिया हूँगा, 60,000 क्लियर हो गए। जनरल एंट्री नंबर 1 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, DR टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सेकंड जनरल एंट्री एरो विल कम डाउन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट 20,000, टू वाइज कैपिटल 10,000। एंड जनरल एंट्री नंबर 3 फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू एक्सिस कैपिटल 18,000 एंड वाइज कैपिटल 12,000। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4, इफ डीड प्रोवाइड्स आईओसी एट द रेट ऑफ 10% पर एनम एंड प्रॉफिट्स फॉर द ईयर वर ₹18,000, साझेदारी संघ लेख पूंजी पर ब्याज 10% पर एनम की रेट से अलाउ करता है और साल भर के अंदर जो प्रॉफिट हुआ वो कितने रुपए का हुआ, 18,000 रुपए का हुआ। पिछले क्वेश्चन के अंदर सफिशियंट प्रॉफिट था। अब अपन यहाँ पर देखते हैं कि एक्स की 2,00,000 रुपए की कैपिटल के ऊपर 10% से 20,000 इंटरेस्ट बन रहा है और वाई का 10,000 बन रहा है, तो टोटल कितना बन गया, 30,000। और प्रॉफिट कितना है, 18,000 रुपए है, यानी कि ये कौन सा प्रॉफिट है, इनसफिशियंट प्रॉफिट है, इनसफिशियंट प्रॉफिट की कंडीशन के अंदर मैंने आपको क्या रूल बताया था, मैंने आपको बताया था कि यदि फर्म के अंदर अपर्याप्त लाभ है, यानी कि लाभ तो कम है और पूंजी पर ब्याज का अमाउंट ज्यादा है, तो आईओसी तो दिया जाएगा लेकिन किस रेशो में दिया जाएगा, इनकी कैपिटल रेशो के अंदर दिया जाएगा। एक्स की कैपिटल 2,00,000 रुपए, वाई की कैपिटल 1,00,000 रुपए, तो इनका कैपिटल कितना हुआ, 2:1। प्रॉफिट कितने रुपए का है, 18,000 रुपए का प्रॉफिट है, 18,000 रुपए के प्रॉफिट्स के अंदर से हम जो आईओसी देंगे इनके कैपिटल रेशियो के अंदर देंगे, 3 6 जा 18 6 2 जा 12,000 6 2 जा 12,000 एंड 6 1 जा 6,000। एज यू नो प्रॉफिट्स आर रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रिकॉर्ड द प्रॉफिट्स बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
प्रॉफिट ब्रॉट डाउन फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हाउ मच, साल भर के अंदर प्रॉफिट 18,000 रुपए का था। तो स्टूडेंट्स, प्रॉफिट तो है, और मैंने आपको क्या बताया था, यदि प्रॉफिट है तो आईओसी दिया जाएगा। ये बात एक अलग है कि प्रॉफिट सफिशियंट है या इनसफिशियंट है। इसके अंदर प्रॉफिट इनसफिशियंट है, इनके कैपिटल रेशियो के अंदर 18,000 रुपए का प्रॉफिट जब मैं आईओसी जब मैं दूंगा तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, टू आईओसी एक्स को और वाई को। ये मैं प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पार्टनर्स को आईओसी दे रहा हूँ किस रेशो में, इनके कैपिटल रेशो के अंदर। तो 6 × 12,000 रुपये इसका आईओसी बन गया और 6,000 रुपये इसका आईओसी हो गया, तो सारा का सारा प्रॉफिट किस यूज में आ गया, आईओसी देने के अंदर में यूज में आ गया। और दोनों साइड का टोटल कितने रुपये हो गया, 18,000 रुपये, और इधर का भी टोटल 18,000 रुपये आ जाएगा। इस तरह से प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। स्टूडेंट्स, प्रोविजन से रिलेटेड, स्पेशल प्रोविजन से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट्स द क्वेश्चन, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स आईओसी एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, प्रॉफिट्स फॉर द ईयर वर ₹18,000 एंड आईओसी इज ट्रेटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। पिछले एग्जाम्पल के अलावा इस एग्जाम्पल में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या है कि आईओसी को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट यानी लाभों के ऊपर प्रभार। और मैंने आपको बताया था कि यदि आईओसी देने से फर्म लॉस में भी जा रही है या ऑलरेडी लॉस के अंदर भी है तो भी आईओसी फुल दिया जाएगा। इस एग्जाम्पल के अंदर प्रॉफिट कितने रुपए का है, 18,000 रुपए का, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब एक ही कैपिटल 2,00,000 रुपए थी, 10% से इसका ब्याज 20,000 रुपए और वाई का 1,00,000 रुपए के ऊपर 10,000 रुपए, तो टोटल आईओसी कितना है, 30,000। और आईओसी इज बीइंग ट्रेटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, तो क्या करेंगे, फुल आईओसी देंगे, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स का 2,00,000 रुपए की कैपिटल पर कितना ब्याज बना, 20,000 रुपए, और इसका ब्याज कितना बना, 10,000 रुपए। अमाउंट वाले कॉलम के अंदर टोटल आईओसी कितने रुपए का हुआ, 30,000 रुपए का हुआ। तो चार जगह प्रॉफिट मानने से क्या हुआ, 18,000 रुपए का प्रॉफिट है लेकिन फुल आईओसी देना पड़ा। आईओसी कितने रुपए का, 30,000 रुपए का देना पड़ा। तो रिजल्ट क्या रहा, फर्म लॉस के अंदर चली गई लेकिन देना पड़ेगा, तो 30,000 इधर का टोटल आ गया। 30,000 रुपए के अंदर से मैं ये 18,000 रुपए लेस कर दूंगा तो बैलेंसिंग फिगर के अंदर ये क्या आएगा, 12,000 रुपए। एक मिस्टेक हो गई स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट यदि माना हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट होगा। मैंने आप लोगों को बताया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। तो प्रॉफिट 18,000 रुपए का था, आईओसी फुल दिया 30,000 रुपए, तो लॉस कितने रुपए का हो गया, 12,000 रुपए का। दिस लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय कैपिटल अकाउंट L4 लॉस। लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन एक्स एंड वाई इन द रेशियो 3:2। 12,000 रुपए के लॉस को 3:2 के अंदर मैं डिवाइड कर दूंगा, 5 × 10, 2 × 5 = 20, 24 × 72, 7,200 रुपये का लॉस इसको, और 24 × 48, ये इन दोनों का टोटल कितने के बराबर आ जाएगा, 0, 2 और 8, 10 की 0, 8 और 4, 12। इस तरह से स्टूडेंट्स अपन ने ये स्पेशल प्रोविजंस पढ़े। 2 मिनट के अंदर मैं रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1, लॉस की कंडीशन के अंदर आईओसी नहीं दिया जाएगा। नंबर 2,
इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, आईओसी साझेदारों को नहीं दिया जाएगा। नंबर तीन, सफिशियंट प्रॉफिट है और डीड यदि अलाउ करता है तो फुल आईओसी दिया जाएगा। इनसफिशियंट प्रॉफिट है और डीड अलाउ करता है तो कैपिटल रेशियो के अंदर आईओसी दिया जाएगा। और लास्ट नंबर फाइव, यदि आईओसी को चार जगह प्रॉफिट माना जाता है, मस्ट एक्सपेंसेस माना जाता है, तो फुल आईओसी दिया जाएगा। स्टूडेंट्स, आपको ये पॉइंट्स प्रैक्टिकल के माध्यम से समझ में आ गए होंगे। आपने इस वीडियो को भी रुचि लेके देखा, इस सब के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।